2007 की बात है, उस एक कैच ने महेंद्र सिंह धोनी को धोनी बना दिया। जोगिंदर शर्मा की गेंद थी, मिसबाहुल हक ने उसे फाइन लेग के ऊपर से उठा के मारना चाहा, पर गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर ही गई। वहां खड़े श्रीसंत पर पूरे भारत की आंखें टिकी हुई थी। श्रीसंत थोड़ा सा लड़खड़ाए, पर आखिर में उन्होंने वो कैच पकड़ ही लिया। उसके रहते धोनी की टीम ने फाइनल 5 रनों से जीत लिया। धोनी की टीम बनी पहली T20 वर्ल्ड कप की विजेता। जिस तरह 2024 के फाइनल में 17 साल बाद सूर्यकुमार यादव के कैच की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, 2007 में श्रीसंत के कैच ने भी भारतीय क्रिकेट का ढांचा ही बदल दिया। उसके बाद शुरू हुआ IPL और देखिए इन 17 सालों में क्या कुछ हो गया। 3 साल बाद धोनी की टीम एक बार फिर साउथ अफ्रीका में थी। 2010 की बात है, एक वनडे मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जा रहा था। बीच मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे। अब धोनी थे वो बार बार डगआउट से पानी मंगवा रहे थे। हर 2 ओवर के बाद धोनी को पानी चाहिए और हर बार अश्विन मैदान पर पानी लेकर आ रहे थे। फिर जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो धोनी ने अश्विन से पूछा, श्री कहाँ है, यानी श्रीसंत कहाँ है। अब अश्विन को ये समझ में नहीं आया कि धोनी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि धोनी जब कुछ पूछते हैं तो उसका कोई गहरा मतलब होता है। तो अश्विन चुप हो गए। धोनी उनसे फिर पूछते हैं, श्रीसंत कहाँ है। अश्विन ने कहा कि श्रीसंत ऊपर ड्रेसिंग रूम में है। धोनी कहते हैं कि श्रीसंत से कहो कि मैदान पर आए और बाकी के रिजर्व खिलाड़ियों के साथ बैठे। अश्विन को ताज्जुब हुआ कि इतनी दूर से धोनी को कैसे मालूम चल रहा है कि श्रीसंत डगआउट में नहीं बैठे हैं। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद अश्विन बाहर जाते हैं और मुरली विजय से कहते हैं कि धोनी कह रहे हैं कि श्रीसंत नीचे ग्राउंड पर आए। विजय अश्विन से कहते हैं कि धोनी ने तुमसे कहा है तो तुम जाके कहो। तब अश्विन मजबूरन ड्रेसिंग रूम में गए, श्रीसंत से कहा कि धोनी कह रहे हैं कि तुम नीचे मैदान में आ जाओ। श्रीसंत ने अश्विन को देखा और व्यंग से बोला, क्यों, क्या तुम मैदान पर पानी नहीं ले जा सकते हो। अब बात यहां से बिगड़नी शुरू हुई। अब धोनी ने बीच मैदान में हेलमेट मंगवाया और फिर जब अश्विन मैदान पर आए तो धोनी गुस्से से अपना आपा खो चुके थे। अश्विन कहते हैं कि मैंने धोनी को पहले इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। धोनी ने अश्विन से कहा, जाओ मैनेजर रंजीत बिस्वाल से कहो कि श्रीसंत की अगली फ्लाइट से इंडिया जाने की टिकट करवा दे, यहाँ हमारी क्रिकेट में इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। अश्विन ने कहा कि मैं भौचक्का वहाँ खड़ा धोनी का मुंह देखता रह गया। धोनी ने कहा, क्यों, क्या अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही है। बस मेरा वापस जाकर ये बोलना था और श्रीसंत के हाथ से जैसे तोते उड़ गए। फट से श्री ने कपड़े बदले और मैदान पर आ गए, पर अब धोनी को पानी सिर्फ अश्विन से ही पीना था। धोनी ने फिर अश्विन से कहा कि तुमने रंजीत सर से कहा कि नहीं। मैं चुप था। बाद में धोनी और श्रीसंत की सुलह हो गई और मामले ने तूल नहीं पकड़ा। असल में अश्विन अपनी निजी आत्मकथा लिख रहे हैं। ये 184 पेज की किताब है। इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टू क्रिकेट स्टोरी। तमिल में कुट्टू का मतलब होता है छोटा।